अब शुरू होने जा रहा है सुंदरता और शादीशुदा सुंदरियों से भरा पहला राउंड। अरे दूसरों की बीवियों के लिए ऐसा कोई बोलता है क्या? अरविंद, लेट अस वेलकम सोनिया मोपारा। चारूबाड़ा भयानी। ये अच्छी लग रही है चारूबाड़ा, जब तक मुंह नहीं खोलती ना तब तक। वो भी है। लीला ठक्कर। उड़ा भाई सामने देखिए, आपकी अपनी बीवी है। गीता जीरा जानी। विनोदी गणात्रा। यामिनी मिरानी। मीनाक्षी ठक्कर। मैंने कुछ नहीं किया। अलाइशा सावला। प्रवीणा ठक्कर। और इसी के साथ हमारा बेसिक राउंड समाप्त होता है। गिव देम अ बिग हैंड। भाभी भाभी बा ने काढ़ा दिया, आपको अच्छा लगेगा। लीजिए लीजिए लीजिए। अच्छा लीजिए, अच्छा लग रहा है? वाटे ना भरा भरा वाटे ना। ए ए भाभी ना भरा वाटे। आता बघा दुसरा राउंड चालू आहे। भाभी कशा ना असतील आणि अशा आता भरून अच्छा लग रहा है। अच्छा 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 लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो तुम लोग चलो अगले राउंड की तैयारी करो। और वो राउंड है टैलेंट राउंड। ये सुबोध, ये सेकंड राउंड तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाला राउंड है ना? लेकिन तुम लोग तो कह रहे थे कि ऐसा कोई राउंड नहीं है। अरे वो तो मैंने झूठ बोला था, वरना आप पार्टिसिपेट नहीं करने देते ना। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। यस अरविंद बैठ जा। पर बाप बैठ जा, प्रवीण मजाक कर रहा है। हाँ कहिए ना। आपका इंश्योरेंस है भाई साहब क्या? टैलेंट राउंड की तीन फाइनलिस्ट हैं मिनोती कणात्रा, अलाइशा सावला। हाय अलाइशा। साइक्लोन होता है, साइकिल लेने का लोन। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, बस इतना ही। मीनाक्षी ठक्कर। दिल धड़क धड़क कर धरती के अंग को रंग दिलाए, सूखे श्वेत लिबास की मांग पे कुमकुम जल बरसाए, फागुन होली को संग लाए, फागुन होली को संग लाए। रंग राग जल प्रीत गीत सब ठहर चुके हैं नगर में क्यों, तो से रूठी है गोपाला। मैया तो से रूठी है गोपाला। मैया होली का नाम,
मैया तो से रूठी है गोपाला, हाँ मैया तो से रूठी है गोपाला। तो अब शुरू होता है हमारा फाइनल राउंड, और फाइनल राउंड के चार विजेता हैं अलाइशा सावला, मिसेस चारूबाला भयानी, मिसेस प्रवीणा ठक्कर, आखिरी फाइनलिस्ट हैं मिसेस लीला ठक्कर। और अब आज की शाम का आखिरी राउंड, ब्यूटी विद ब्रेन्स। और इस राउंड की पहली कंटेस्टेंट है मिसेस अलाइशा सावला। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार। गुड इवनिंग मिसेस सावला, आपका सवाल है, अगर आपको जादुई चिराग मिल जाए और उसमें से जीन आके आपसे एक विश मांगने को बोले तो आप क्या मांगेंगी? पहले तो मैं जो सबर्ब्स में रहते हैं जैसे कल्याण और घाटकोपर और बांडूप और स्पेशली पार्ला जैसे सबर्ब्स में जो रहते हैं उनके लिए मैं एक कम्फर्टेबल एसी ट्रेन बनाऊंगी, ताकि सबर्ब्स में रहने वाले लोग हमारे टाउन आ सके और हमारे एरियाज जैसे कामाइकल रोड और नेपेंसी रोड और फाउंटेन कोलाबा ये सब एरियाज को देख सके और हमारे जीने का स्टाइल महसूस कर सके और हम उनके साथ हमारा बॉम्बे शेयर कर सके। दूसरी कंटेस्टेंट मिसेस चारूबाला भयानी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, अगर आपको स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो आप क्या करेंगी? वेल, अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो मैं एक ऐसा घर बनाऊंगी, हाँ घर, सॉरी मैं धर्मशाला वर्ड का उपयोग नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं एक ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें दुनिया का कोई भी गुजराती कभी भी दरवाजा खोल के आ सकता है, वहां उसके रहने खाने ओढ़ने की सभी सुविधाएं होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे समाज का कोई भी सदस्य कभी भी दुखी रहे, भूखा रहे। मैं एक ऐसी छत बनाना चाहती हूँ और बनाऊंगी, मैं चीफ मिनिस्टर ना बनूं तो भी। शाबाश, अच्छा बोली चारूबाला। सचमुच अच्छा बोली है। देखो तो सही सवाल किसने पूछा, मालती आंटी ने पहले से ही सवाल दे दिया होगा। द थर्ड फाइनलिस्ट मिसेस प्रवीणा ठक्कर। नमस्ते मिसेस प्रवीणा ठक्कर, अगर आपको 25 लाख रुपए मिल गए तो आप क्या करोगी? 25 लाख उठा भाई, प्रवीण आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। अरे तू सुन तो सही बराबर प्रवीण, वो कह रहे हैं अगर मिले तो, मिले नहीं हैं अभी तक। मिलेंगे। कहिए मिसेस प्रवीणा ठक्कर जी, मेरा जवाब थोड़ा सा सेल्फिश है। नहीं सेल्फिश तो होना ही चाहिए ना, अब खुद पे ही खर्चा करेंगे ना, हेमल पे थोड़ी करेंगे। जी मैं कोई समाज सेवा के बड़े बड़े दावे नहीं करूंगी, मेरा जवाब बहुत सीधा सरल और थोड़ा स्वार्थी है, और कहावत भी है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मुझे ये 25 लाख रुपए मिले तो मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगी हमारे गट्टू भाई के लिए। गट्टू भाई, गट्टू भाई, ये है हमारे गट्टू भाई, मैं इनके लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाऊंगी। आज हम सब इनकी देखभाल करते हैं लेकिन कल को सबको याद रखने वाले गट्टू भाई को हमारे बच्चे याद रखे ना रखे।
इन्हें किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। वो ट्रस्ट इनकी देखभाल करेगा। ये सब कुछ मैं कोई तरस खा के नहीं कह रही, सच। ऐसा करके मैं अपना कर्ज चुकाऊंगी। गट्टू भाई ने आज तक कभी किसी को ना नहीं कहा, सबका काम खुशी खुशी करते हैं। ना कभी किसी का बुरा चाहा, ना किसी की बात का बुरा माना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हम मायूस होते हैं तो हमेशा हंसाया है। कहने को ये बहुत छोटी छोटी बातें, पर एक दिन इनकी तरह जीने की कोशिश करके देखिए। अगर नहीं रह पाए तो आप जान जाएंगे कि कितना मुश्किल है इनकी तरह जीना। और अगर जी गए एक दिन इनकी तरह तो आप भी मानेंगे कि इनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। ऐसी पवित्र आत्मा के लिए मैं इतना जरूर करना चाहूंगी। तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।